सुबह सुबह हम निकल गए थे। ठंड का इतना ज़्यादा ठंड था बाहर कि मतलब इतना ज़्यादा हवा था जिस कारण से आवाज़ नहीं पता चल रहा था। तो ये सुबह सुबह हम ऑफिस के लिए निकल गए थे और इतना ज़्यादा यहाँ अभी ठंड है कि कहने लायक नहीं, जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा ठंड है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं 8:30 रात के, और ऑफिस से आने के बाद चले गए थे वो मकर संक्रांति के लिए तिलकुट वगैरह लाने के लिए। और ये देखो चश्मा यहाँ छिल रही है, लहसुन, और ये रहे पप्पा। पप्पा ये रहे, पप्पा है खाने में भी चूड़ा तिलकुट, तो पप्पा है ड्यूटी से। और ये रही मम्मी। मम्मी इधर बना रही लिट्टी चोखा का तैयारी हो रहा है, तो ये चोखा के लिए उसमें सब चला गया कुछ कुकर में। और ये रही इसमें क्या क्या डाल रही है मम्मी, वो लहसुन सत्तू का मसाला बनाएगी मिर्चा उसके लिए। तो अब बताते हैं कि पिछले इतने दिनों से हम लोग क्यों नहीं ब्लॉग दिए। हुआ क्या था कि पापा को हर्पिस हो गया था, और हर्पिस इतना गंदा तरीका का था, पापा का पूरा फेस एक तरफ का पूरा कवर हो गया था। तो अब कुछ लोग जानना चाहेंगे कि हर्पिस होता क्या है। तो हर्पिस क्या होता है ना कि एक तरह से ये क्या होता है ना कि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, और पापा को ये इन्फेक्शन जो अटैक किया था, ये पूरा एक साइड का पूरा फेस उनका कवर कर लिया था। मैं वीडियो में आगे उनका पिक डालूंगी पापा का, कि किस तरह का पापा का फेस हो गया था। मतलब इतना भयानक तरीके का हो गया था, और इतना हार्म किया पापा के आँख को ये हर्पिस। और इतना मतलब ऐसा स्थिति था कि रात में अचानक से पापा, मतलब उसमें इतना बेचैनी होता है, इतना लहर रहता है, लेकिन पापा को भगवान की दया से लहर नहीं था, लेकिन हाँ बेचैनी रहता था। मतलब ऐसा बेचैनी कि पापा रूम में अकेले अगर उनको रख दिया जाए और दरवाजा अगर बाहर से मतलब सटा देते थे, तो वो ना बेचैन होते थे कि नहीं हमको हमको बहुत ज्यादा बेचैनी लग रहा है, अकबक्की लग रहा है। मतलब इतना गंदा फेज वो देखे हैं, मतलब जून से, जून जून नहीं जुलाई से, जून से ना मां, जून से, मतलब इतना ज्यादा पापा के साथ दिक्कत हो गया था कि मतलब पापा प्रॉपरली लगभग दो दो 2.5 महीने पापा सीक में रहे, ओवर स्टे में। छुट्टी हम लोग लिए थे कि हम लोग घूमने निकलेंगे जम्मू, लेकिन जम्मू जाने के 10 दिन पहले, 10 दिन पहले पापा के साथ ये सब हुआ था। मतलब हम लोग सोचे कि नॉर्मल इसी तरह कुछ मतलब इन्फेक्शन हो गया, कीड़ा वगैरह चाट लिया होगा, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू हुआ ना, तो बढ़ते बढ़ते मतलब 2 दिन पापा ड्यूटी किए वहीं, तो हम लोग फोन किए तो पापा हमको सुबह सुबह फोन कर रहे अचानक से कि बेटा हमको यहाँ से ले चलो। हम बोले क्या हुआ, तो वीडियो कॉल पर देख रहे हैं कि पूरा एक तरफ का फेस पूरा कवर हो गया, दाना 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 पूरा अजीब तरह का। तो हम लोग सोचे कि मतलब कीड़ा वगैरह चाट लिया है। तो फिर पापा आए वहाँ से, उनका स्टाफ लेके आया पापा को, और यहाँ जब हम लाने गए तो हम जब देखें तो एकदम लग रहा था ना कि वो फोका होता है ना, छोटा छोटा फोका जैसे जल गया हो उस तरह से। तुरंत लेके गए डॉक्टर के पास। हाँ ये था कि मेरे फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग थे जो मेडिकल से रिलेटेड थे, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया, और जिस वजह से सही समय पर पापा का प्रॉपर तरीके से इलाज हो पाया। नहीं तो ये जो हर्पीस होता है ना, बहुत गंदा इफेक्ट करता है। इफेक्ट किया है पापा के आँख को, लेकिन उस तरह का लेवल में नहीं कर पाया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग उसको ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट करवा के प्रॉपर तरीके से मेदांता के डॉक्टर डॉक्टर थे जो हम लोग को सजेस्ट किए थे, मेदांता के डॉक्टर हम पापा का ट्रीटमेंट किए, वो मतलब सही समय पर हम लोग को वो हुआ, वो पता चला, तो मेडिकेशन जो चला वो सही तरीके से मतलब ये हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ प्रॉब्लम, जैसे ही हर्पिस वाला वो जो घाव हुआ था पूरा, वो जब ठीक होने लगा तो पापा का नस दबने लगा। मतलब अजीब से रात में चिल्लाने लगते थे उठ के, या दिन में भी बाप रे बाप रे बाप रे, जैसे कहते थे कि आँख में कोई इतना सारा मिर्ची डाल दिया, और पूरा लहर से यहाँ पूरा मतलब पीछे, बहुत गंदा तरीका का कंडीशन था, बहुत गंदा फेज था ये हमारे लाइफ का। क्योंकि ऐसा ही एक बार 2020 में पापा के साथ हुआ था, पापा का एक नस दब गया था जिसको कि सर्वाइकल प्रॉब्लम कहते हैं। और उस समय पापा को क्या हुआ था कि उस समय पापा मतलब ये नहीं, उस समय भी पापा के साथ हुआ था कि पापा एक चम्मच खाना खुद से नहीं उठा के खा पाते थे, और इस वजह से देखो पापा का फेस कैसा हुआ पड़ा, ये देखो।
ये वाला जो पोर्शन था ना पापा का, ये पोर्शन पूरा अटैक किया था, ये हर्पिस। तो अभी भगवान के दया से और आप लोग के ऐसे पापा ठीक हैं, ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। और इधर इस बीच मेरे आ गए हैं चाचू, तो ये रहे मेरे चाचू और ये रही मेरी आंटी। प्रणाम काको, प्रणाम आंटी। तो ये देखो मेरे चाचू चाची आ गए हैं, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खुशी अन्ना आ गई, बोली कि आज लिट्टी बनाया जाए, तो ये देखो लिट्टी सेक रही है मम्मी, ये रही आंटी और ये रहे हम। तो हम भी लिट्टी सेक रहे थे, तो लिट्टी सेकते सेकते याद आया कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए। तो यहाँ देखो गर्मा गर्म लिट्टी बनेगा, आग वाला लिट्टी और ये रही आंटी। दिखाओ उठाओ, ये देखो ये रही अड़बो रहा बुड्ढू मेरा बदमाशी करते हुए। बाहर इतना ठंड है कि कहने लायक नहीं। तो चलो मिलते गु और बुगु खा रहा है लिट्टी चोखा। कैसा बना बुगु? ये रही आंटी आग, ये रही मम्मी और ये रहे ककड़ूस और ये रहे पापा। काकू कैसा बना है? बहुत बढ़िया यम्मी, बहुत बढ़िया। ये देख लो पप्पूस कैसा बना। तो ऐसा कंडीशन हो गया था पापा का जो देख के मतलब बहुत मतलब अंदर से ऐसा फील होता था ना कि कहने लायक नहीं। तो ये कंडीशन था पापा का, और फाइनली पापा को रिकवर किए हैं इस कंडीशन से जो कल आपको दिखाया उस कंडीशन तक।